हेलो गाइस, वेलकम टू द मैनोवर एजुकेशन। सो फाइनली कैपराउंड को लेकर एक और अपडेट, द सीट अलॉटमेंट हैज बीन आउट विद रिस्पेक्ट टू एमएच लॉ सीटी। थ्री इयर्स को लेकर काफी सारे स्टूडेंट टेंशन में थे कि क्या कट ऑफ होने वाला है, सीट कब अलॉट होने वाले हैं। नाउ गाइस, और आज फाइनली सीट अलॉटमेंट हो चुका है। सो नाउ हमें ऑप्शन क्या चूज करना है, आइदर फ्रीज और फ्लोट। एग्जैक्टली क्या ऑप्शन चूज करना है, व्हेन वी हैव टू चूज द फ्रीज ऑप्शन एंड What exactly mean by the float? Float का option वहां नहीं है guys, you can see the betterment, okay? Float, that means floating, इसका मतलब आप first round से second round में participate कर सकते हो, अगर आप betterment के लिए जा रहे हो, कोई अच्छा college चाहिए तो। So stay tuned with me throughout this video, यहां पता करेंगे freeze exactly क्या है, float क्या है, और seat allotment हो चुका है, तो क्या हमारे chances है in the second round to get the GLCA, ILS or the top institute? So before moving further guys, we have launched the batches for all the law entrance exam. अगर आप preparation करना चाहते हो, classroom coaching or the online, then you can interact with us. Okay, so call on respective number or visit our website manwaradu.com/lawentrance. First of all guys, this is the official website और यहाँ बता रहा है cap round 1 allotment has been published. Okay, so check allotment, क्या करोगे guys? Institute wise allotment list पे check करना, या फिर आपको खुद का allotment देखना है, then check candidate allotment. आपको यहाँ सिर्फ application ID enter करना है and thereafter check your allotment. तो आपको बता देगा किस particular college में आपको allotment हुआ है या फिर नहीं हुआ है. Okay, if institute wise सबका देखना चाहते हो, then यहाँ click कर लो, round 1 select, university select, select college. हमें देखना है GLCA को लेकर guys, मैंने cut off की जो video बनाई थी, exactly वही cut off यहाँ mention किए गए. ओके, प्लस टू माइनस टू मैंने बताया ही था आपको, और वो कट ऑफ यहाँ आ चुके हैं. सो आई थिंक आपने वैसे ही ऑप्शन दिए होंगे और फाइनली आपको अलॉटमेंट भी मिला होगा. इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज इन योर माइंड, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वह आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा. एंड नाउ शो अलॉटमेंट. सो OMS को लेकर अगर बात करें, OMS को लेकर आई थिंक 123, जैसे कि मैंने बताया था 123, यस OMS को लेकर 123 तक अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है. और वही अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात करें, then it comes at open general 111 का कट ऑफ रहा है. ओके गाइज, सो ऑल दोज कैंडिडेट, अब आपको ये देखना है कि इनमें से कितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है या नहीं है, और एग्जैक्टली हमें रिपोर्टिंग कब करना है, हमें फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करना है या फिर फ्लोट करना है. ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, गाइज आपको यहाँ फ्रीज एंड पे पर क्लिक करना है, क्योंकि फ्रीज तो ये हो चुका है, इट इज ऑटो फ्रीज, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिल चुका है. ओके, सो ऑटो फ्रीज हो चुका है. नाउ आप राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, बस यहाँ आपको एडमिशन लेना ही बनता है. ओके गाइस, इस फ्रीज एंड फ्लोट को लेकर एक इन डिटेल वीडियो बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुका है, ओके, आपने दिया था GLCA, सेकंड दिया था ILS, थर्ड दिया था सिद्धार्थ, ओके, अब GLCA आपको मिल चुका है फर्स्ट प्रेफरेंस, ये ऑटो फ्रीज हो चुका है. अब क्या करना है, 1000 rupees पे करना है और बस कॉलेज रिपोर्ट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वहां वेरीफाई करने और एडमिशन डन, अब कुछ नहीं करना. ओके, सब कुछ प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाता है आपका. लेकिन अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना है, तो आप एडमिशन कैंसिल कर भी सकते हो और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर भी सकते हो. लेकिन सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट क्यों करना जब GLCA मिल ही चुकी है, ठीक है. इन केस अगर आपको सिद्धार्थ अलॉट हुआ है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे GLCA चाहिए या फिर ILS चाहिए, देन क्या करोगे, इसे करोगे आप बेटरमेंट, बेटरमेंट सेलेक्ट करोगे, दैट मीन्स फ्लोट बेटरमेंट, और वहां 1000 rupees पे करोगे और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे. सेकंड राउंड में अगेन ऑप्शन दोगे और जो सिद्धार्थ है ये ऑप्शन आप लिस्ट में सबसे नीचे रखोगे. आप ऑप्शंस को मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन सिद्धार्थ जो है वो नीचे रहने वाला है. इन केस अगर ये सीट नहीं मिलती तो सिद्धार्थ की सीट आपको कंसिडर की जाएगी. ओके, ये सिंपल प्रोसेस है गाइस, इन डिटेल मैंने वीडियो बनाई है. लेकिन रिपोर्टिंग करना कब है, सो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा शेड्यूल. ओके, सो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल अभी अपडेट हो चुका है. ओके, एलोकेशन आउट हो चुका है 21st of October आज, एंड दे आफ्टर कैंडिडेट्स रिपोर्ट टू अलोकेटेड कॉलेज एंड सीक एडमिशन फॉर राउंड 1 27th of October टू दी 2nd of November. सो दिवाली के लिए काफी अच्छी छुट्टी दे दी है सीटी सेल ने. सो दिवाली के त्यौहार में आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है गाइस. इसके बीच में जितना भी आपके पास टाइम है, आपने पास वक्त ही वक्त है, बस अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, अब उनको कलेक्ट करने की बारी आ गई है. और 27th of October टू दी 2nd of November यहाँ हमें वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाना है. ओके, सो गाइज अगर डॉक्यूमेंट नहीं ले गए तो एडमिशन हो जाएगा कैंसिल, और एडमिशन कैंसिल हो गया, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस था, ऑटो फ्रीज था, एडमिशन कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास सिर्फ राउंड 3 बचेगा और राउंड 3 में सीटें नहीं बचती. ओके, सो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ और एडमिशन अपना कंफर्म कर दो. कुछ डाउट्स है फ्रीज एंड फ्लोट में, देन मुझे पूछ लो गाइज, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है. काफी अच्छा टाइम है अपने पास, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस उस वीडियो को देखना है एंड तक, और सारी इन्फॉर्मेशन सेम है गाइस. ओके, अदर देन प्रेफरेंस, सी
अगर यहाँ मुझे अकोला लॉ कॉलेज मिला है, ठीक है, ये मेरा फोर्थ ऑप्शन है। अब या तो मैं फ्रीज करूँ या फिर बेटरमेंट करूँ। अब ये अकोला लॉ कॉलेज यहाँ शो कर रहा है लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं करूँगा बेटरमेंट पे सेलेक्ट और पे करूँगा 1000 रुपीज़। ठीक है, इन केस कोई कैंडिडेट 1000 रुपीज़ पे नहीं करना चाहता है, ना तो बेटरमेंट ऑप्शन चूज कर रहा है ना फ्रीज कर रहा है, और उसका ये जो अलॉटेड प्रेफरेंस है फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, तो भी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अकोला वाली ये कॉलेज मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है, इसे मैं रिजल्ट रखूं, तो बेटरमेंट सेलेक्ट करो, 1000 रुपीज़ पे करो और सेकेंड राउंड में वापस अपने ऑप्शंस दो, और ये अकोला जो है ये लास्ट में इंसर्ट करो। ठीक है, अगर ऊपर की मिल गई ठीक, नहीं तो ये अकोला वाली कॉलेज ये फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस होता है दैट मीन्स आपको एडमिशन लेना ही है किसी भी हाल में। कोई भी प्रेफरेंस मिलता है बेटरमेंट चूज करो, ओके, और अपने अच्छे ऑप्शंस के लिए ट्राई करो इन दी सेकेंड राउंड। जो भी डाउट्स है आंसर इन द कमेंट सेक्शन गाइस। आई थॉट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल चुकी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और सारे डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है ही। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फॉर ऑल एग्जाम अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स सच एज YouTube, Facebook, Insta एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।